मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। अभी सुबह के 9:15 बज गए हैं और आज उठने में थोड़ी लेट हो गया है, तो अभी नाश्ता चल रहा है। क्या नाश्ता में है? रोटी न मोर को न खानू अने चा। अने चा। तो अभी ये दोनों बहन भाई नाश्ता कर रहे हैं, इसके बाद में और विजय कर लेंगे नाश्ता। जियान को नाश्ता अच्छा नहीं लगता है, वो सिर्फ उठ के चाय दूध पीना चाहता है। फिर भी मैं आधा से एक रोटी तो उसको खिला देती हूँ, बाद में थोड़ा सा चाय दूध दे देती हूँ। और आज तो उसको क्या हुआ, रात को वो उसके पैर में जो लगा था वहाँ पर ड्रेसिंग किया हुआ था वो निकल गया रात में नींद में, तो अभी तो ऐसे इस तरह से खुला हो गया है। हमने बहुत बार उसको ट्राई किया रखने को, पर पूरा दिन वो यहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा चलता रहता है तो निकल जाता है। तो दिन में 4 से 5 बार तो हम उसको पाटा बांधते हैं, खोलते हैं, ऐसा चलता है। तो रात को भी निकल गया है और अभी बस जो नाश्ता कर लिया है मैंने, और ये दोनों बच्चे नाश्ता अभी बाकी है तो धीरे धीरे कर रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर हॉस्पिटल में और इसका दूसरा पाटा है वो चेंज कर देंगे। तो थोड़ा सा ड्रेसिंग होगा और बाद में पाटा भी अच्छे से लग जाएगा। क्या हुआ? तो जय श्री कृष्ण बोल दे। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर विजय भी नाश्ता लेकर बैठ गए। क्या नाश्ता में खा रहे हो आज? देखिए, गुड़ घी। गुड़ और घी सुबह का नाश्ता। इसका हम थोड़ा इसको थोड़ा हम घुमोड़ेंगे अभी। ये देखो आधा बाउल भर लिया है गुड़ का। छोटे थे गाय का घी और इसमें गुड़ डालकर वो अच्छे से मिक्स करके उसमें अब रोटी खाएंगे। उसका कुछ नक्की नहीं होता है, कभी नाश्ता करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं, कभी चाय खाते हैं थोड़ा, कभी गुड़ खाते हैं, कभी ऐसा होता है कि अभी आज मुझे नाश्ता नहीं करना है। तो आज हम सब लोग खा रहे थे और वो उठ गए तो उसने भी साथ में कि चलो मैं भी थोड़ा खा लेता हूँ, वरना हम सब उसके पहले उठ जाते हैं तो खाना खा लेते हैं तो बाद में उसको ऐसा लगता है कि अभी नहीं खाना है, चलो ना अभी तो अभी दोपहर हो जाएगी, अभी तो ऐसे स्किप कर देते हैं नाश्ता। क्या कह रही थी ब्रिजा? चाय के साथ दूध आपने? चाय के साथ दूध डालना है। कितनी रोटी खाई? अर्धी थी बस। आधी से ज्यादा। इतनी बड़ी लड़की दो रोटी खा जानी चाहिए। अभी नहाना भी बाकी है। मेरे को पता नहीं मैंने कितनी रोटी खाई। अभी नहाना बाकी है तो पहले नाश्ता कर ले, बाद में नहा ले और बाद में जाएंगे हॉस्पिटल, तो मिलते हैं बाद में। तो अभी बज रहे 10 से 10:15 बज गए हैं और घर का सारा काम भी हो चुका है अच्छे से। देखो क्लीनिंग हो गई है, डीजा भी नहा धोकर रेडी हो गई है और सब कुछ काम हो गया है 10:15 बजे। अभी जियान और उसके पापा है वो हॉस्पिटल जा रहे हैं ड्रेसिंग करवाने के लिए। તેડી રાખ જોઈ અને દવાનું પૂછી લેજો, ચાલુ રાખવાની બંધ કરવાની તો બીજી લેવાની કહી દીધું। ટાટા। તો ઓ લોગ જા રહે હે ડ્રેસિંગ કરને કે લિયે। मैं और ब्रिजा जाएंगे ऊपर, वहाँ पर थोड़ा सा बाजरा और गेहूँ है वो थोड़ा सा साफ करने को भी बाकी रह गया है तो वो कर लेंगे, क्योंकि अभी जियान नहीं है, बाहर गया है तो हो जाता है, वरना वो आ जाएगा तो उसको अच्छे से साफ नहीं करने देगा। तो अभी बजे है 12:45 और विजय और जियान दोनों आ गए हैं ड्रेसिंग करके। कैसा लगा जियान? मस्त लगा ड्रेसिंग। हाँ दर्द हुआ था? नहीं क्या बोलो? टाइट बांध दी दो, दरोज खुली जाए हम कीधू तो है। 2 मिनट में ड्रेसिंग हो गया है। अभी इसको टाटिया को आराम नहीं मिल रहा है, देखो टाटिया पसड़ रहा है। अभी ये सब लोग टीवी देख रहे हैं, तारे जमीन पर पिक्चर आ रहा है तो बच्चों के लिए अच्छा है तो देख रहे हैं। और मुझे अभी बनानी है रसोई, क्योंकि पूना बार ऑलरेडी बच चुके हैं
तो अभी रसोई बनाना स्टार्ट कर दूंगी। साग बन गया है। विजय और जियान गए थे गांव में तो सिखन लेकर आए हैं। आज उसको सिखन खाने का मन था तो बस सिखन का डिब्बा ले है। तो सिखन रोटी और सब्जी दोपहर को खाने को मिलेगा आज। तो अभी दोपहर के 1:30 बज गए हैं और ये सब खाना खाने में लगे हुए है। गर्मा गर्म रोटियां और क्या है जियान? सिखन, अंजीर सिखन। अंजीर श्रीखंड और इसके साथ क्या है? ठंडी ठंडी छास और बैंगन की सब्जी, ठंडी ठंडी रोटली और गर्मा गर्म रोटी। वो तो थाली में आएगी तो ठंडी हो ही जाएगी। तो देखो कैसे सब मिलजुल कर खा रहे एक थाली में। एक रोटी में 3 लोग खा रहे। देखो इसमें से एक एक रोटी निकालते जा रहे और गर्मा गर्म खाते जा रहे। ये तो लुखा खा रहा है, लुखा रोटी ले भी नहीं रहा। दिशा क्या सोच में पड़ गई? जियान को तो को मीठा बहुत अच्छा लगता है। वो सिखन पछी आमरस और फिर गोड़ घी है, वो सब बहुत अच्छे से खा लेता है। पर अभी देखो सिखन खा रहा है चम्मच से, रोटी नहीं खा रहा है। खाई ली तू बधु पूरु करवानु चाल। અત્યારે પૂરું કર એટલે પછી કાલ બીજું લઈ આવીશ। તો ચલી અબ સબ ખાના ખા લેતે હૈ। મમ્મી સિખન ના રસોઈ મને કેવો હમ પછી સોના થી બજે હે પોણે 6 પર યહાં ઉપર હો રહી હે ગેહું કે સાફ સફાઈ। હમ અભી ઘર પે ગયે થે તો એક બોરી લાયે થે બાજરા પર એક લાયે થે ગેહું। તો મમ્મી ને અભી ગેહું કી સાફ સફાઈ શરૂ કર દી હે। ये जो टुकड़े हैं ना छोटे छोटे ये निकल जाएंगे तो इसको पहले यूज कर लेंगे। पहले इसका आटा बनाकर खा लेंगे, बाद में इसका आटा बनाकर खाएंगे। मतलब कि जो टुकड़ा है वो निकल जाएगा ना तो खराब नहीं होगा। ये वो कहना चाहती है कि इसमें से जो कटिंग निकलता है वो गेहूं का, वो पहले आटा बना के खा लेंगे। ये पूरे गेहूं है उसको ये बैरल में स्टोर कर लेंगे। ऑलरेडी एक बैरल है ना अंदर, वो जो दिख रहा है बड़ा वो भरा हुआ है, थोड़ा सा ही खाली हुआ है वो। और ये अभी दूसरा है छोटा वाला, उसमें ये डाल देंगे। पहले ये छोटा वाला था उसमें हम भरते थे बाजरा, लेकिन गेहूं ज्यादा हो गया अभी क्योंकि अगले साल का गेहूं भी उस बड़े बैरल में भरे हुए है। वो अगले साल का है, अभी ये नए साल का है। पहले वो खत्म कर देंगे बाद में। अभी इसको साफ कर रहे हैं तो कहाँ भरे, तो सोचा कि ये बाजरा वाला जो छोटा था उसमें डाल देते हैं। ये गेहूँ बाजरा का बाद में देखेंगे। बाजरा डालेंगे पेट में, बाजरा डालेंगे पेट में क्योंकि अभी बाजरा हम ज्यादा खा रहे हैं। एक साल से हम बाजरा ज्यादा खाते हैं, वरना गेहूँ ज्यादा खाते थे, बाजरा ज्यादा चाहिए। तो बाजरा तो इस बोरी में रहे हैं दीदी। तो पहले ये बड़ा वाला बैरल था, कितने गेहूँ चाहिए थे एक साल में? तो ये छोटा बैरल है वो भी एक साल में बाजरा चाहिए था, लेकिन अब उल्टा हो गया। बाजरा चाहिए बड़े जितना और गेहूँ चाहिए ये छोटा बैरल जितना। गेहूँ खाना का कम कर दिया आज, तो सोच रहे हैं किसको कहाँ भरे। सोचो तुम बाजरे को कहाँ भरोगे? देखो ये बड़े वाले बैरल में गेहूं अभी कितने हैं? बस इतना खाली हुआ है अभी, 1.5 फुट। और ये नए वाले आ गए, इसलिए घर से एक ही बोरी घर से लाए थे। जरूरत पड़ेगी तो बाद में ले सकते हैं ना।
जरूरत पड़ेगी तो बाड़ी जाएंगे और फिर एक बस कर ले आएंगे। और इधर एक घर घंटी लेने का विचार था, इसलिए यहाँ प्लग फिट करवाया है। अभी तो नहीं ली, फिलहाल गांव में ही इसको पिसवाते हैं। तो ममता यहाँ साफ सफाई करे, तब तक मैं यहाँ बालकनी में पानी डाल देता हूँ पौधे को, क्योंकि नीचे वाला जो छोड़ है उसको पानी डालने का ममता ने संभाला है, ऊपर वाला मेरा, क्योंकि ये नन्ही सी जान कितने पौधे को पानी पिला सकती है, क्यों ये बहुत काम करती है, पूरा दिन काम करती रहती है। दो दिन से ऐसा क्यों लग रहा है, मास्टर का पिंडा क्यों लगा रहे हैं, पूरा काम कर रही है, बोल रहे हो बार बार, पूरा दिन काम करती रहती है, सुबह उठ के 6 बजे से पहले चलने जाती है, सुबह फिर आके काम करने लग जाती है, शाम तक कितना काम करती है ये लकड़ी लकड़ी ये औरत ये लड़की मैं थोड़ी उसकी मदद करता हूं। ये बात होती थी कि तुमको तो क्या काम है, तुमको तो कुछ काम ही नहीं है, काम तो हमेशा थे, और पता नहीं 2 दिन से क्या हो गया। वो तो है ही, लेकिन मैं अभी थोड़ा माखन का पीड़ा लगा रहा हूँ। तुम बहुत काम करती हो। चलो डोल भर गई हो। देखो ये गर्मी की सीजन में पूरा एक दिन ही पानी टिकता है, सब पानी उड़ जाता है, तो रोज पानी पाने आना पड़ता है।